अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वी यू सूफ़ी। और आज की जो मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें हम लोग DGL 101 जो कोर्स का कोड है डिजिटल लिटरेसी, उसका क्विज नंबर 1 जो आया है उसका सोल्यूशन अपलोड करने जा रहा हूँ। तो मोस्टली ऐसा होता है कि क्विजेज जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 स्टूडेंट्स के मैंने क्विज को जो है वो सॉल्व किया है। तो आई होप कि इससे जो है वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखनी है, और उसके बाद जो है वो आप लोग अपना जब क्विज सॉल्व करेंगे तो आई होप कि इनमें से काफ़ी जो है वो रिपीट हो चुकी होंगी, तो इससे जो है वो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो चले आए जो है वो हमारा क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारा ये था कि वी कैन स्विच बिटवीन एप्लीकेशन लेवल विंडोज बाय प्रेसिंग डैश ऑल्ट टैब एंटर शिफ्ट एस्केप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ऑल्ट प्लस टैब जो है वो इसके थ्रू हम लोग जो है वो अपनी एप्लीकेशन लेवल विंडो जो है वो उसे स्विच कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि अगर मैं जो है वो ऑल्ट और टैब को प्रेस करता हूँ, ये देखें ये उधर आ गया है या अपने वापस भी जो है वो क्विज पे आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ एन डैश सॉफ्टवेयर। इसमें 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो एमएस वर्ड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो जिसका नेम है वो जो है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, LCD मोनिटर स्टैंड फॉर डैश मोनिटर। तो यहाँ पे जो है वो LCD मोनिटर जो है वो उन्होंने पूछा है कि किसका मुखफफ है ये। तो यहाँ पे हमने बताना है, 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लिक्विड चेंज डिश, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कवर डाटा, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये जो है वो LCD का जो है मुखफफ है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डेंजर्स एंड रिस्क टू कंप्यूटर डाटा आर कॉल्ड, सिक्योरिटी रिस्क, पॉजिटिव साइन, गुड एक्ट, हार्डवेयर। तो यहाँ पे जो है बस में 4 ऑप्शंस अवेलेबल थी, तो इसका मुझे तो कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ तक मुझे लगा है क्योंकि ये पॉजिटिव साइन भी नहीं है और ना ही ये जो है वो गुड एक्ट है। तो इसके बाद जो है वो हार्डवेयर है, ये भी नहीं मुझे लगा। ये सिक्योरिटी रिस्क जो है वो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग एक दफ़ा कंफर्म कर लेना। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, CRT मोनिटर्स स्टैंड्स फॉर डैश मोनिटर। तो यहाँ हमने जो है वो CRT का बताना है कि किस चीज़ का मुखफ़ है, कैथोड रे ट्यूब, कंप्लीट रे ट्यूब, क्रैश रेस ट्यूब, नन ऑफ गिवन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो 1 है, कैथोड रे ट्यूब जो है उसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द की यूज टू डिलीट द प्रीसीडिंग करेक्टर इज कॉल्ड डैश, डिलीट की, इंसर्ट की, बैक स्पेस की, होम की। तो ये हमारे पास जो है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है, बैक स्पेस की जो है उसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन वी डिलीट एनी फाइल फ्रॉम कंप्यूटर इट गोज टू, माय डॉक्यूमेंट, माय कंप्यूटर, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, जब भी हम लोग कोई कंप्यूटर में अपनी फाइल डिलीट करते हैं तो ये सबसे पहले जो है वो रिसाइकल बिन में जाती है, और वहाँ से अगर हम लोगों ने परमानेंट डिलीट करना होता है तो वहाँ से जो है वो रिसाइकल बिन को जो है वो एम्प्टी कर देते हैं, तो इससे जो है वो हमारी फाइल जो है वो परमानेंटली जो है वो कंप्यूटर से रिमूव हो जाती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द कंप्यूटर फैन इज यूज टू डैश द सिस्टम, फास्टन, कूल, कनेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर में जो फैन लगा होता है वो बेसिकली इसका जो मेन मकसद होता है वो तो कूल करना होता है उसका, जो ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन मुझे जो लग रहा था कि कंप्यूटर में जो फैन है इससे जो है वो जब वो सिस्टम हमारा कूल होता है तो इससे जो है उसकी स्पीड भी जाहिर सी बात है कि फास्ट होती है। तो जहाँ तक मुझे लगा है कि ऑल ऑफ द अबव है, बाकी ये कंफर्म नहीं है, या तो ये कूल आएगा, अदरवाइज जो है ये ऑल ऑफ द अबव जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है ये भी आ सकता है। तो आप लोग एक दफ़ा कंफर्म कर लेना कि कंप्यूटर फैन जो है वो सिस्टम में किस लिए यूज़ होता है। तो जो वैसे जो है ये तो कूलिंग के लिए सर्च होता है, लेकिन मैंने जो है वो ऑल ऑफ द अबव लगाया है,
आप लोग एक दफ़ा कंफर्म कर लेना। इसके बाद विच ऑप्शन इज़ यूज टू टर्न ऑफ कंप्यूटर, शट डाउन, लॉग ऑफ, स्लीप, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो है वो शट डाउन का जो ऑप्शन है हमारे, अगर हम लोगों ने कंप्यूटर को ऑफ करना हो तो हम लोग इसके लिए ऑप्शन जो है वो ये यूज़ करते हैं शट डाउन का। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर वन नेक्स्ट स्टूडेंट का, प्रिंटर इज कनेक्टेड विद कंप्यूटर विद डैश केबल, यूएसबी, पावर, माउस केबल, कीबोर्ड केबल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यूएसबी है। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, वी कैन मूव कर्सर टू नेक्स्ट लाइन बाय प्रेसिंग डैश की, शिफ्ट, एंटर। इसके बाद जो है वो CTRL, कंट्रोल, पावर। इसका यहाँ पे जो है वो मैंने गलत लगा दिया आंसर, इसका जो है वो इंटर की जो है वो हम प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे जो है वो हमारा कर्सर चला जाता है। तो ये जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर टू था, इसका करेक्ट आंसर जो है वो इंटर है। तो गलती से जो है वो मुझसे शिफ्ट पे क्लिक होकर मैंने सेव कर दिया था। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, हार्डवेयर थेफ्ट इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर ऑनर इंटरनेट सॉफ्टवेयर। तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि हार्डवेयर थेफ्ट जो है वो किस चीज़ से कंट्रोल किया जाता है, तो आप लोग एक दफ़ा कंफर्म कर लेना इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट, क्लिक व्यू जूम, क्लिक होम, फॉन्ट, क्लिक टूल्स ऑप्शंस, क्लिक रिबन्स, कस्टमाइज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्लिक व्यू जूम जो है वो ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डाटा, डिजिस्किल वर्सटाइल डाटा, डिजिटल वॉइस डाटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर वन है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द प्रोसेसर इज कॉमनली रेफर्ड एज डैश ऑफ द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ब्रेन, प्रोग्राम, हार्ड डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर टू, ब्रेन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है, की यूज टू जनरेट स्पेस बिटवीन टू करेक्टर इज कॉल्ड, स्पेस की, इंटर की, टैब की, बैक स्पेस की। तो अगर हम लोगों ने जो है वो दो करेक्टर टाइप किए हैं और इसमें जो है हम लोग स्पेस डालना चाहते हैं, तो हम लोग स्पेस का बटन जो है वो उस की को प्रेस करके हम लोग इसमें स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर जो है वो स्पेस की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे पास, टू कॉपी एंड सेल सॉफ्टवेयर विदाउट द ओनर्स कॉन्टेंट इज कॉल्ड वायरस, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर पायरेसी और एथिकल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री जो है, सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर टेन था, द की यूज टू डिलीट द प्रीसीडिंग करेक्टर इज कॉल्ड, प्रीसीडिंग करेक्टर इज कॉल्ड। तो ये ऑप्शन जो है वो रिपीट हो गया है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बैकस्पेस की है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट था हमारा उसका क्विज स्टार्ट हो गया है, हाउ मेनी रूलर्स आर शोन ऑन MS वर्ड स्क्रीन, 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, डबल क्लिकिंग मीन्स टू प्रेस माउस बटन डैश टाइम्स इन 1 सेकेंड, 2, 3, 1, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर वन जो है वो दो दफ़ा हम लोगों ने जो है वो इस बटन को प्रेस करना होता है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद जो है फॉर्मेटिंग अ डिस्क विल डैश ऑल डाटा फ्रॉम इट, इरेज, कॉपी, मूव, कट। तो फॉर्मेट, डिस्क को फॉर्मेट करने से जो है वो तमाम डाटा इसमें जो होता है वो इरेज हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है वो ड्राइवर CD ऑफ प्रिंटर इज इंसर्टेड इन डैश, CD रूम, हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर वन है, CD रूम। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लोज बटन इज ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द फोल्डर्स विंडो। तो इसमें जो है वो हमारे पास टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो टॉप लेफ्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है, राइट स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू मूव स्क्रीन, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, टास्क बार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास राइट है, ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन मूव कर्सर टू नेक्स्ट लाइन बाय प्रेसिंग डैश की, शिफ्ट, इंटर, कंट्रोल, पावर। तो यहाँ पे भी जो है वो मैंने इसका
रॉन्ग लगाया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास इंटर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, आई थिंक यही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी आप लोग एक दफ़ा कंफर्म कर लेना। तो गाइज ये हमारा DGL डिजिटल लिटरेसी 101 का जो बुक था उसका क्विज नंबर 1 था, उसका सोल्यूशन था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को एक बेल आइकन शो होगा, उस पर लाजमी क्लिक कर देना, उससे ये होगा कि मेरी नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी जिन सोल्यूशन पर भी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।